नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया और आपके साथ मैं हूं काजोल। गोरखपुर में पुलिस ने कैसे किया चार मुन्ना भाइयों को गिरफ्तार। प्रयागराज में वर्दी में सिपाही को क्यों बनाना वीडियो महंगा पड़ गया। बुलंदशहर में किसने लगाया बीडीसी सदस्य को खरीदना का आरोप। जानेंगे तमाम खबरों के बारे में, लेकिन बुलेटिन की शुरुआत करते हैं पहली और अहम खबर से। खबर बुलंदशहर से है। आपको बता दें कि बुलंदशहर के SSP श्लोक कुमार सिंह के निर्देशानुसार जिले के सभी क्षेत्राधिकारियों और थाना प्रभारियों ने आगामी त्यौहार को लेकर पुलिस फोर्स के साथ जनता में सुरक्षा भाव पैदा करने के उद्देश्य से महत्वपूर्ण संवेदनशील मिश्रित आबादी वाले क्षेत्रों में पैदल मार्च किया। वहीं प्रशासन ने आमजन से अनुरोध किया कि शांति कानून व्यवस्था और सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने में पुलिस प्रशासन का सहयोग करें। मुक्ति मोर्चा और भारतीय किसान यूनियन ने किसान बचाओ रैली निकाली। ये किसान बचाओ रैली विभिन्न मार्गों से होते हुए कमिश्नर कार्यालय पर पहुंचे, जहां 19 सूत्रीय मांगों को लेकर महामहिम राष्ट्रपति को संबोधित एक ज्ञापन मंडलायुक्त को सौंपा गया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष भगत सिंह वर्मा ने कहा कि हमारा मकसद है कि पृथक पश्चिम प्रदेश का निर्माण होना चाहिए। जब तक पृथक पश्चिम प्रदेश का निर्माण नहीं होगा, तब तक पश्चिमी प्रदेश मुक्ति मोर्चा के पदाधिकारी चैन से नहीं बैठेंगे। पश्चिम प्रदेश मुक्ति मोर्चा और भारतीय किसान यूनियन वर्मा का किसान बचाओ रैली है। आज हम लोगों ने देवबंद से तलहड़ी, नागल, सहारनपुर, विश्वकर्मा चौक, दीवानी कचहरी, कलेक्ट्रेट होते हुए किसानों की रैली सहारनपुर कमिश्नरी कार्यालय पर पहुंची है। हमारा मकसद है कि पृथक पश्चिम प्रदेश का निर्माण होना चाहिए। जब तक पृथक पश्चिम प्रदेश का निर्माण नहीं होगा, तब तक पश्चिम प्रदेश मुक्ति मोर्चा और पश्चिम प्रदेश मुक्ति मोर्चा के लोग चैन से नहीं बैठेंगे। जहां पिछले दो दशक से पश्चिम प्रदेश मुक्ति मोर्चा पृथक राज्य की लड़ाई लड़ रहा है, वहीं हम लोगों ने जो किसान यूनियन की बराबर किसानों की हम लोग लड़ाई लड़ रहे थे, उसके लिए भारतीय किसान यूनियन वर्मा का गठन करके देश के अंदर तक किसानों की लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। पश्चिम प्रदेश मुक्ति मोर्चा और भारतीय किसान यूनियन वर्मा की मांग है कि गन्ने का रेट 600 रुपए क्विंटल होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार ने अपने मैनिफेस्टो में कहा था कि हमारी सरकार आई तो हम किसानों को फ्री बिजली देंगे। अपना दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल बांदा पहुंची। वहीं पार्टी कार्यकर्ताओं ने अपनी राष्ट्रीय अध्यक्ष का भव्य स्वागत किया। वहीं केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने राहुल गांधी पर बयान देते हुए कहा कि राहुल गांधी के लिए राजनीति नहीं बची है, राजनीति में उनका कोई स्कोप नहीं है। साथ ही उन्होंने सपा पर तंज कसते हुए कहा कि सपा को जनता 2014 से लेकर 2022 तक चार बार नकार चुकी है, 2024 में सपा गठबंधन का सफाया भी हो जाएगा। 2 सितंबर से अपना दल ने पूरे उत्तर प्रदेश में प्रत्येक मंडल के अंतर्गत वृहद सदस्यता अभियान का शुभारंभ किया है, और इसी क्रम में आज चित्रकूट मंडल में हमने सदस्यता अभियान को शुरू किया है। बहुत सारे नए साथी अपना दल की सदस्यता ले रहे हैं। पार्टी का विस्तार करना है, आकार बढ़ाना है, और आने वाले 4 नवंबर को हमारी पार्टी का राष्ट्रीय अधिवेशन प्रस्तावित है। बड़ी संख्या में लोग पार्टी में शामिल हो रहे हैं। 1 करोड़ सदस्य बनाने का लक्ष्य हमने रखा है, और चित्रकूट मंडल का दावा है कि सबसे ज़्यादा इस लक्ष्य में योगदान चित्रकूट मंडल का होने जा रहा है। पीलीभीत के दिवरिया में नदी के पास शव मिलने से हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि शव की शनाख्त 16 वर्षीय हिमांशु के रूप में हुई है। वहीं मौके पर पहुंचे पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। गायब होकर क्या बता रही हूँ, उसकी FIR दर्ज की गई थी, इसी में लोगों से पूछताछ की गई है। अभी निशानदेही पर उसकी डेड बॉडी बरामद हुई है, अभी लोगों हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है, और जल्दी घटना खुलासा किया जाएगा और लोग हिरासत में हैं, और जो जल्दी जल्दी पुलिस ने भी तुरंत कार्रवाई करके ये वाली कार्रवाई की है। सर, देखा यह गया है कि पिछले 15 दिनों में 3 ऐसी डेड बॉडियाँ मिली हैं जिनकी गुमशुदगी लिखी गई, पुलिस ढूंढ नहीं पाई उनकी डेड बॉडियाँ मिली हैं। इसमें तुरंत FIR लिखी गई है, इसमें गुमशुदगी नहीं दर्ज की गई थी, और इसमें भी बहुत 11 तारीख को घटना हुई थी, 12 तारीख उन्होंने FIR दर्ज कराई थी, और 13 को ही तुरंत उनको हिरासत में लेकर पूछताछ करके उसको रिकवर किया गया है। और जो प्रथम दृष्टया जो पूछताछ में आया, उसी दिन इनको इनकी दोस्ती हैं तो ले जाकर के इन्होंने उनकी उसकी हत्या कर दी थी और नहर में उसको फेंक दिया है। प्रयागराज के सैदाबाद पुलिस चौकी पर तैनात सिपाही को फिल्मी अंदाज में वीडियो डालना महंगा पड़ गया। पुलिस वाले का वीडियो वायरल होने पर SSP प्रयागराज शैलेश पांडे ने मामले को गंभीरता से लेते हुए सिपाही को निलंबित कर दिया।
बुलंदशहर के ब्लॉक खान ग्राफ्ट के सक्रिय वर्तमान ब्लॉक प्रमुख नेहा यादव ने विरोधी गुट पर बीडीसी सदस्यों को खरीदने और अपन जबरन दबाव बनाने को लेकर आरोप लगाया। ब्लॉक प्रमुख नेहा यादव ने आरोप लगाते हुए बताया कि पूर्व में ब्लॉक पद पर आसीन कुछ विरोधी गुट हमें भाजपा सरकार की और प्रशासन से झूठे मुकदमे में जेल भिजवाने जैसी धमकियां दे रहे हैं। जो हमने अपना मीटिंग का एजेंडा रखा है अपनी प्रमुखी के लिए अप्रस्ताव अविश्वास के लिए जो षड्यंत्र रचा जा रहा है उसके विषय पर चर्चा के लिए हमारी जो प्रमुखी है उसको अस्थिर कराने के लिए कुछ बीडीसी हमारे जो हैं उन्हें प्रबोलन देकर उन्हें धन से अपनी तरफ लेकर या बलपूर्वक या फिर प्रशासन का उन्हें धमकी देकर या फिर बीजेपी पार्टी को बीच में लाकर कि बीजेपी पार्टी से हम आपके लिए ये करा देंगे, प्रशासन से हम आपको अंदर करवा सकते हैं न किसी गलत केस की वजह से, इसी तरह के झूठे आरोप लगा के उन्हें डरा के उन्हें धमका के धन की उनको देकर कि आप हमारे पास आइए हम आपको दूना धन देंगे, इस तरह से उन्हें अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हैं जबरदस्ती। हमारे पास आते हैं ये कहते हैं लोग वाक के भाई आपको अधिक से अधिक जो है मतलब पैसे भी देंगे और आप जो है इस हमारे साथ आइए अप्रस्ताव पे साइन करिए और ब्लॉक प्रमुख को हटाना है। तो हमने उनसे एक क्लियर बोल दिया कि हम एक देश के सैनिक हैं और सेवक हैं, देश की रक्षा की है, हमको कोई लालच नहीं है, हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको केवल सम्मान और विकास चाहिए। केवल शिकायत हमने लेटर भेजे हैं, योगी जी के पास भी भेजा है और डीएम साहब को भी दिया है, चार पांच जगह भेजे हैं। हम तो देश सेवक हैं, हम तो अपने देश में भ्रष्टाचार को जो योगी जी की और मोदी जी की जो योजनाएं चल रही हैं भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने की, हम तो उसके साथ जुड़े हुए हैं उनके। एक लोको पायलट जो ट्रेन चलाने के साथ ही सॉल्वर गैंग को भी चलाने का कार्य कर रहा था, गोरखपुर पुलिस और स्वात टीम ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए इस गैंग के चार सदस्यों को गिरफ्तार करने में सफलता पाई। रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा के बीच पुलिस और स्वात टीम ने एक सॉल्वर गैंग का खुलासा करते हुए गैंग के चार लोगों को गिरफ्तार करने में सफलता पाई। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों का कब्जे से एक फर्जी आधार कार्ड, फर्जी प्रवेश पत्र, 9 प्रवेश पत्र और मिक्सिंग की गई फोटो, साथ ही 2 मोटरसाइकिल, कुछ नकदी बरामद की है। ये कल दिनांक 13/9/2022 को जनपद की स्वाट टीम को एक सफलता मिली। इन्होंने नौसड़ में हो रहे स्वास्थ्य ऑनलाइन परीक्षा केंद्र पे जो ऑनलाइन साल्वर्स के गिरोह का भंडाफोड़ किया, उसमें 4 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है और एक अभी फरार है। एक जो पंकज नाम का व्यक्ति था वो दीपचंद नामक अभ्यर्थी के स्थान पर बैठ परीक्षा दे रहा था, इसके अलावा 2 अन्य उसके सहयोगी थे। एक श्रीराम नामक व्यक्ति जो कि एक लोको पायलट है आगरा का। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने प्रदेश कार्यालय में एक महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि बीजेपी 17 सितंबर से पीएम मोदी के जन्मदिवस से 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़े के रूप में मनाने जा रही है। 16 सितंबर को सीएम धामी के जन्मदिवस को भी प्रदेश भर में संकल्प दिवस के रूप में मनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि इसको लेकर सभी प्रभारी मंत्रियों को निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। इसके तहत होने वाले कार्यक्रम के बारे में उन्होंने बताया कि पार्टी कार्यकर्ता इस दौरान कई कार्यक्रमों का आयोजन भी करेंगे। राष्ट्रीय हिंदी दिवस के मौके पर राजधानी दून में कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें राज्य के कृषि मंत्री सुबोध उनियाल और रायपुर विधायक खजान दास मुख्य अतिथि रहे। कृषि मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि उत्तराखंड राज्य हमेशा ही भाषा संस्कृति को बढ़ावा दिया है। कृषि मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि राज्य में कुमाऊनी, गढ़वाली, जौनसारी जैसी प्रमुख बोलियां भाषाएं हैं जिनको बढ़ाने के लिए काम किए जाते हैं। आपको बता दें कि कार्यक्रम में हिंदी भाषा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले स्कूली छात्रों को भी कैबिनेट मंत्री ने सम्मानित किया। आज हिंदी दिवस है, मेरे तो प्रदेशवासियों को हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज भाषा संस्थान के तहत हम लोगों ने पूरे प्रदेश के उन बच्चों को जिन्होंने हिंदी में बहुत अच्छे नंबर लाए और तकरीबन सैकड़ों बच्चे जो 100 के आसपास जिनके मार्क्स आए हैं उनको पुरस्कृत करने के साथ साथ पंजाबी भाषा, उर्दू भाषा और अरबी भाषा इनके बच्चों को पुरस्कृत किया। साथ ही क्योंकि हिंदी आज दुनिया की तीसरी सबसे ज़्यादा
लोगों के द्वारा बोले जाने वाली भाषा है, और जिस तरह से हिंदी के पूरी दुनिया में आज प्रसार हो रहा है, कोई देश संभव तो ऐसा नहीं बचा है जहाँ पर हिंदी भाषा ही लोग न हो इस समय। पौड़ी पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अपने ड्रीम प्रोजेक्ट कंडोलिया थीम पार्क का निरीक्षण किया और यहां की व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि वो गढ़वाल क्षेत्र के रात्रि प्रवास दौरे पर हैं और उनका यह दौर गैर राजनीतिक है, जिससे लोकसभा चुनाव से ना जोड़ा जाए। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भर्ती घोटाले पर कहा कि राज्य की एसटीएफ टीम बेहतर कार्य कर रही है, कई दोषी अभी तक पकड़ में आ चुके हैं, ऐसे में राज्य की जांच एजेंसी पर अविश्वास नहीं जताना चाहिए, इसलिए सीबीआई जांच की जरूरत नहीं है। अब खबर औरैया से, जहां पूरे प्रदेश में बच्चा चोरी की अफवाह को लेकर भले ही पुलिस प्रशासन अपील कर रहा है, लेकिन अभी भी ग्रामीण इलाकों में बच्चा चोरी के शक में पिटाई करने के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे। औरैया जिले में बीते 11 सितंबर को हरिकापुरवा गांव में भिक्षा मांगने गए एक साधु के ग्रामीणों ने बच्चा चोरी के शक में जमकर पिटाई कर दी। साथ ही पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वीडियो वायरल होने के बाद एसपी चार निगम के निर्देश पर लगाई गई टीमों ने साधु की पिटाई करने वाले आरोपियों की गिरफ्तारी कर ली है। आप बता दें कि इस मामले में दो लोग पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं, जबकि 5 अन्य आरोपियों को आज गिरफ्तार किया गया। पकड़े के सभी आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उन्हें जेल भेज दिया गया है। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही, आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।